हाउस अरेस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पार्वन उप्पल। दुर्गा पूजा भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन अब बारी आने जा रही है देश के सबसे बड़े त्योहार यानी दीपावली की। दीपावली यानी रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार, रिश्तों को मजबूत करता, आपसी प्यार बढ़ाने वाला त्योहार। तो आज शो की शुरुआत ऐसे ही कुछ रिश्तों के साथ करते हैं, जिसकी अहमियत और महत्व किसी उत्सव से कम नहीं है। माँ दुर्गा के रूप में हूँ। मैं जब दुर्गा माँ के रूप में आती हूँ तो मैं शैतानों का नाश करूंगी। क्यूट वाला नरकासुर बनना चाहता हूँ, एक चॉकलेटी वाला नरकासुर जो ऑडियंस ने मेरे हिसाब से कभी देखा नहीं होगा। ऐसा आप देख रहे हैं हम तीनों के चेहरे पे जो इतनी बड़ी बड़ी स्माइल, उसी से पता चल गया होगा कि हम कितने खुश हैं। <laughs>
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और जो DID की जो फीलिंग है वो फील थोड़ा सा वापस आ गई तो काफी खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग बहुत मिस करते हैं DID। छोटे पर्दे के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस की जबरदस्त सफलता के बाद इसका दूसरा सीजन भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इसी कड़ी में डांस इंडिया डांस 2 के लिए देश भर में ऑडिशंस शुरू हो चुके हैं, ताकि इस बार भी डांस का ये शानदार प्लेटफॉर्म देश के चुनिंदा कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका दे सके। इस शो की सक्सेस की कामना लेकर डांस इंडिया डांस सीजन 1 के पॉपिंग एंड लॉकिंग स्टार प्रिंस पहुंच गए हैं मंदिर। चल गया कोई जादू, ना रहा दिल के काबू, क्या कर गई हसीन। इन जनाब को तो आप पहचानते ही होंगे, वैसे भी इनको भूल ही कौन सकता है, क्योंकि इनकी जैसी लॉकिंग और पॉपिंग इससे पहले कम से कम हमने तो नहीं देखी। वैसे आपको याद तो होगा ही, इनका नाम है प्रिंस गुप्ता, डांस इंडिया डांस सीजन 1 के सबसे बेहतरीन डांसर्स में से एक। लेकिन ये जनाब डांस इंडिया डांस के सेट को छोड़कर स्टूडियो में क्यों डांस कर रहे हैं? दरअसल प्रिंस ये स्टेप्स दिखा रहे हैं खास हमारे लिए, वो भी अपने शहर इंदौर में, और इसकी वजह है डांस इंडिया डांस सीजन 2 के इंदौर में होने वाले ऑडिशंस का प्रमोशन। प्रिंस के डांस की वजह से आज उसे पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन खुद प्रिंस इस सफलता का श्रेय डांस इंडिया डांस के 3 खास जजेस को देना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मैंने हर चीज उन्हीं से सीखी, डरना मत, मुझे सिखाते थे सर, उनसे बहुत कम सीखा मैंने, और यही मान के जो डांस मान के मैंने जो सीखा अलग अलग स्टाइल, वो सभी तीनों मास्टर्स से ही सीखा है। इन्होंने मुझे हर एक मास्टर ने अलग अलग डांस स्टाइल सिखाई, तीनों के पास मैंने थोड़ा बहुत सीखा और तीनों की शैली मैंने सीखी। अपने शहर इंदौर में प्रिंस का स्टेटस आज किसी स्टार से कम नहीं है, लेकिन प्रिंस भी मानते हैं कि ये सफलता पाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा, दूसरी बात टैलेंट, और इसी चीज मेहनत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम टॉप रेटिंग में आ गए, चलो टीम में आ गए, छोड़ो, मेहनत टॉप रेटिंग से भी स्टार्ट होती है और फर्स्ट क्लास पे खत्म होती है, इसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। डांस इंडिया डांस सीजन 2 की सफलता की प्रार्थना के लिए प्रिंस इंदौर के एक मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा भी की, साथ ही उन्होंने सारे पार्टिसिपेंट्स के सक्सेस के लिए दुआएं भी मांगी। इंदौर में जो भी ऑडिशन दे रहे हैं उनके लिए दुआ मांगने आया हूं कि जिस तरह मुझे कामयाबी मिली इस तरह उन्हें भी मिले, मेरा तो भला हुआ ही है, मैं चाहूंगा कि इंदौर के लोगों का भी भला हो और वो बहुत आगे तक पहुंचे। चलिए प्रिंस, आपके साथ साथ हमारी भी यही दुआ है कि पिछली बार के धमाकेदार रेस्पॉन्स की तरह डांस इंडिया डांस सीजन 2 भी लोगों को खूब पसंद आए और देश को कई और डांसिंग स्टार्स मिले। घनश्याम पटेल, जी न्यूज, इंदौर। अभी लेते हैं छोटा सा